हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में दोस्तों आज का बहाली का जो अपडेट निकाला गया दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से निकल कर आया है जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कुछ दिन पहले रांची सिविल कोर्ट का बहाली का अपडेट मैं आपको बताया था जो कि उसका आखिरी डेट दोस्तों चौबीस सितम्बर दो, दो हज़ार अठारह बताया गया था और उसमें पोस्ट का नाम चपरासी आदेशपाल सफाई कर्मी दफ्तरी जेरोक्स ऑपरेटर तो बहुत सारी उसमें बहाली निकाली गई जिसका आखिरी डेट चौबीस सितम्बर दो बताया गया था लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों चौबीस सितम्बर दो, दो के दिन एक और बहाली का अपडेट निकल कर आया रांची की तरफ से तो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाल दिया गया जिसमें आपको बता दे पोस्ट का नाम यहां पर जो निकल कर आया है पहला असिस्टेंट दूसरा असिस्टेंट लाइब्रेरियन तीसरा कैशियर चौथा ट्रांसलेटर पांचवा जूनियर ट्रांसलेटर और सिक्स नंबर का जो यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला गया टाइपिस्ट तो यहाँ पर छः पोस्टों पर झारखंड हाईकोर्ट ने बहाली निकाला है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के साथ पूरा बने रहें आपको स्टेप बाय स्टेप हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं तो इंतज़ार हो गया खत्म आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाल दिया है जो कि कुछ दिन पहले इसने लीगल एडवाइजर का बहाली निकाला था जो 15 था कि 15 सितंबर 2018 तक इसका अपडेट था लेकिन उसको खत्म करने के बाद इस बहाली को झारखंड हाई कोर्ट ने निकाल दिया तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ऐसे ही रोजाना जॉब की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको झारखंड और ऑल इंडिया के जितने भी वैकेंसी के अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं तो फाइनली आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे खुल चुका है देखिए आपको इसका वेबसाइट भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते झारखंड हाईकोर्ट डॉट एनआईसी रिक्वायरमेंट आप गूगल में ये टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर चार ऑब्लिक अकाउंट ऑब्लिक दो हजार अठारह फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन कैशियर ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर एंड टाइपिंग इन हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कीम एग्जामिनेशन सिलेबस एंड अदर डिटेल तो यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया गया तो चलिए पूरा डिटेल हम देख लेते हैं क्या क्या आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है फीस वगैरह क्या क्या मांगा गया तो चलिए पूरा एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं तो ये आपके सामने झारखण्ड हाईकोर्ट की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया आपके सामने खुल चुका है दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर वन बाय वन पोस्ट का नाम बताया गया है और उसके साथ पे स्केल वगैरह पूरा डिटेल में दिया गया तो चलिए हम पूरा अपडेट आपको देते हैं सबसे पहले देखिए एक नंबर में जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आया असिस्टेंट का यहाँ पर निकल कर आया है दोस्तों जिसमें पोस्ट कोड यहाँ बताया जा रहा है वन पोस्ट कोड यहाँ पर वन है दोस्तों और देखिए पे स्केल की बात कर लें तो तिरानवे सौ से चौंतीस हजार आठ सौ रुपया प्रति आपको यहाँ पर दिया जाएगा और ग्रेड पे यहाँ पर भी बताया गया है सेवन पे सी पी सी यहाँ पर सेवन पे बताया गया है और आपको बता दें इसमें छियालीस सौ तो तक का आपको ग्रेड पे दिया जाएगा अब देखिए दूसरा नंबर का जो तो यहाँ पर पोस्ट निकल कर आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट यहाँ पर निकल कर आता है और पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए दो बताया गया इसमें इसमें पे स्केल की बात करें तो तिरानवे हज़ार से चौंतीस हजार आठ तो सौ यहाँ पर भी बताया गया और ग्रेड पे भी यहाँ पर बयालीस सौ तो रुपया बताया गया तीसरा नंबर का जो तो यहाँ पर पोस्ट निकल कर आता है कैशियर का निकल कर आता है जिसमें पोस्ट कोड यहाँ तीन नंबर का बताया गया और आप देख सकते हैं यहां पर पे स्केल बताया गया तिरानवे से चौंतीस प्लस ग्रेड पे इसमें भी दिया जा रहा है उसके बाद देखिए चार नंबर का जो यहाँ पर पोस्ट का अपडेट निकला है ट्रांसलेटर जिसमें पोस्ट कोड चार बताया गया है और मैं बता दूं दोस्तों इसमें पोस्ट कोड का क्या मतलब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसमें देखिए पे स्केल जो बताया गया है तिरानवे सौ से चौंतीस हज़ार आठ सौ प्लस ग्रेड पे यहाँ पर आपको वही छियालीस सौ रुपया दिया जा रहा है उसके बाद पाँच नंबर में देखिए दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर जिसमें पोस्ट कोड यहाँ पाँच बताया गया है और इसमें पे स्केल तिरानवे सौ से चौंतीस हज़ार आठ सौ प्रति महीना आपको दिया जाएगा उसके अलावा आपको ग्रेड पे बयालीस सौ रुपया यहाँ पर दिया जाएगा टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्ट कोड इसका नंबर का हो जाएगा और पे स्केल से बीस हजार दो सौ तो इसमें कुछ कम दिया गया है तो इस प्रकार से इसका पे स्केल बनाया गया अब देखिए ऑनलाइन अपलिकेशन का डेट यहाँ पर बताया गया तो दोस्तों आपको बता दे ये अप्लीकेशन जो है ऑनलाइन करना है ऑफलाइन नहीं करना है सिविल कोर्ट का जैसा कि हाथ से फॉर्मेट बनाकर भेजना था लेकिन इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन बनाया गया स्टार्टिंग ऑनलाइन जो है आठ दस दो हजार अठारह तो 8 अक्टूबर 2018 से स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट यहाँ पर 23 अक्टूबर 2018 मतलब इसमें ज़्यादा दिन नहीं दिया गया है बहुत ही कम समय दिया गया है तो इसी समय में आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है अब देखिए यहाँ पर सीट किस तरह से बनाया गया वो हम आपको बता देते हैं देखिए सबसे पहले असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर सीट बनाया गया है आप देख सकते हैं युवा को यहाँ पर सताइस दिया गया है एस के लिए नौ बनाया गया एस के लिए बीस बनाया गया है बी सी के, के लिए दो और बी सी के लिए पांच बनाया गया इसमें वुमेन के लिए भी अलग सीट बनाया गया है पीएच के लिए भी अलग सीट बनाया गया तो चार पीएच के लिए है और वुमेन के लिए तीन है स्पोर्ट कोटा में अगर आप आते हैं तो एक सीट आपको दिया जाएगा तो टोटल यहाँ पे चौंसठ सीट यहाँ पर बनाया गया है जो कि असिस्टेंट के लिए बनाया गया अब देखिए दूसरा नंबर में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर आप भरते हैं तो यू में एक है एस में कोई भी नहीं है एस में भी कोई नहीं है बी सी में भी नहीं है बी सी में भी नहीं है वुमेन के लिए भी नहीं है पी -ह के लिए भी नहीं है और स्पोर्ट कोटा के लिए भी नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एक ही सीट इसमें निकाला गया अब कैशियर के लिए अगर आप भरते हैं फॉर्म को तो कैशियर में देखिए यहाँ पर जो टोटल सीट बनाया गया जनरल में एक बाकी कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं है तो टोटल एक ही सीट बनाया गया उसके बाद चार नंबर में ट्रांसलेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए में भी सीट नहीं है बस एसटी में एक सीट बनाया गया तो यहां पर किसी कैटेगरी में सीट नहीं दिया गया बस एसटी में एक सीट दे दिया गया उसके बाद पांच नंबर तो में देखिए जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो एक सीट बनाया गया है सिर्फ जनरल के लिए उसके अलावा कोई भी सीट किसी को भी सीट नहीं दिया गया तो टोटल एक ही सीट इसमें बनाया गया और टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते तो यूआर को तीन दिया गया है एससी को जीरो एसटी को एक बी सी वन को एक बी सी टू को जीरो वुमेन और पीएच और स्पोर्ट कोटा को कोई भी सीट नहीं दिया गया तो टोटल इसमें पाँच सीट बनाया गया है तो यहाँ पर टोटल जो सीटों की संख्या बताई गई है तिहत्तर सीट पर यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने बहाली निकाला है अब चलिए एलिजिबिलिटी हम आपको बता देते हैं मतलब कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या क्या मांगा गया है देखिए अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन पास कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से मांगा गया है और आपको टाइपिंग का नॉलेज होना जरूरी है और कंप्यूटर साउंड का नॉलेज होना ज़रूरी है तो कंप्यूटर के साथ आपको कंप्यूटर में जो साउंड निकलता है उसका भी नॉलेज होना जरूरी है तो शायद वहाँ पर इंटरव्यू में कुछ पूछा जा सकता है कोई भी साउंड में क्या ब्लिंक करता है वो सब पूछा जा सकता है तो इस प्रकार से इसका बनाया गया उसके बाद दूसरे नंबर में असिस्टेंट के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से मांगा गया है और साइंस आपका मांगा गया है तो साइंस अगर आप है तो फॉर्म को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और देखिए दूसरा पोस्ट असिस्टेंट के लिए अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से और यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे तीसरा नंबर में जो निकल कर आता है कैशियर के लिए अगर आप कैशियर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना जरूरी है ग्रेजुएशन के साथ तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे चार नंबर को जो यहाँ पर निकल कर आया है दोस्तों देखिए ट्रांसलेटर के लिए अगर आप ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन आपको कोई भी सब्जेक्ट के साथ मांगा गया है आप भर सकेंगे जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपको मांगा गया है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं टाइपिस्ट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास आपको कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से मांगा गया और टाइपिंग स्पीड इसमें चालीस वर्ड पर मिनट बताया गया है इंग्लिश में और हिंदी टाइपिंग भी मांगा गया लेकिन कंफर्म नहीं किया गया है कि इसमें कितना स्पीड रहेगा तो इस प्रकार से इसका क्वालिफिकेशन बनाया गया अब देखिए एज लिमिट हम आपको बता देते हैं अगर यू आर जनरल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो लोअर एज 18 होगा और अपर एज 35 होगा तो 18 साल से 35 साल तक के लोग फॉर्म को भर पाएंगे वुमेन अगर है तो अड़तीस साल भरेंगे और पी है तो चालीस साल भरेंगे अगर बी सी में आप भरते हैं तो अठारह से अड़तीस साल तक के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे वुमेन के लिए भी अड़तीस है और पी के लिए फोर्टी थ्री तैंतालीस है उसके बाद बी सी टू के लिए अठारह से अड़तीस है वुमेन के लिए भी अड़तीस है और पी एच के लिए भी तैंतालीस बताया गया है एस टी एस सी की बात कर ले तो एस टी एस सी के लिए यहाँ पर अठारह से चालीस वर्ष तक बनाया गया है अगर पी एच है एस टी एस सी में तो आपको पैंतालीस साल तक अप्लाई कर सकेंगे अब अप्लीकेशन फीस की हम बात कर ले एप्लीकेशन फीस इसमें क्या लगने वाला वो बता दें देखिए जनरल ओबीसी को यहाँ पर पाँच सौ रुपये लगने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी बी वन बी टू में जो लोग भी आते हैं जनरल ओबीसी तो उनको पाँच सौ रुपया लगेगा और एस टी एस सी के लिए यहाँ पे जो बताया गया है एक सौ पच्चीस रुपया जी हाँ इसमें एक सौ पच्चीस रुपया एस टी एस सी को लगने वाला है और पाँच सौ रुपया जनरल ओ बी सी को यहाँ पे लगने वाला है तो इस प्रकार से इसका फी बनाया गया है तो आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको इतना पे करना होगा तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे पेमेंट का जो मोड होगा इंस्टा मोजो या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग द्वारा आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे और भी सारी गाइडलाइन बनाई गई है आप चाहे तो पूरा विस्तार से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इसका पी फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा उसका पी फाइल डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं और फॉर्म को समझ पढ़कर कर आप अप्लाई कर सकते तो इस प्रकार से इसका आवेदन बनाया गया है तो आज के इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी दूंगा आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मेहनत बस आपका एक लाइक और शेयर करना है तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रोजाना जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज के लिए इतना है दोस्तों कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना टेक केयर बाय